हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो काफ़ी टाइम से हम लोग पीएचडी एडमिशन का वेट कर रहे थे कि पीएचडी एडमिशन की कोई नई नोटिफिकेशन आए, तो फाइनली एक नोटिफिकेशन आई है। ये आपकी आईआईटी की पीएचडी प्रोग्राम की नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट है इसकी 30th of April। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से आईआईटी का ये नोटिफिकेशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है। हमारी सारी नोटिफिकेशन हम वेबसाइट पे अवेलेबल कराते हैं, तो यहाँ पर जाइए thedynamicstudy.com। उसके बाद आपको पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना होगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। तो ये पहला आपका जो है वही नोटिफिकेशन है, आपके आईआईटी खड़गपुर की ये नोटिफिकेशन है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ एंड मैनेजमेंट। ये सारे ही सब्जेक्ट्स, ये सारे स्ट्रीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली जहाँ पर इन्होंने पीएचडी की नोटिफिकेशन अवेलेबल है, जहाँ पर पीएचडी इन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जूलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल से इनका ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है इसकी 30th of April। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर लीजिएगा और 30th अप्रैल के टाइम तक आप अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसमें, तो ऑफकोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स अभी नहीं है। आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अभी इन्होंने कोई भी टेस्ट का डेट नहीं बताया हुआ है। टेस्ट की डेट आपको बाद में बताई जाएगी, और जब भी ये सिचुएशन सही होगी उसके बाद ही ये टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होगी। जैसे देखिए, अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आपका पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट का और आप मैनेजमेंट में पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ईयर ड्यूरेशन का आपका एमबीए होना चाहिए। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट्स में इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने डिटेल में इसको मेंशन नहीं किया है, हम इसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो डाउनलोड करेंगे और उसमें डिटेल में आपकी हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा। अप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भी इन्होंने बताया है कि इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 1000 रुपीज़ है, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपीज़ है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है ये सारा कुछ ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा वो होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। तो जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है आपके ग्रेजुएशन में, पीजी में, उसका भी रिजल्ट ये कंसीडर करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कंप्लीट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड PDF कर लीजिए। तो इस तरीके से PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। PDF पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर आपके सामने है। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दी हुई है। तो जब भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड की है। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो रही है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। ये देखिए यहाँ पे एडमिशन का भी दिया हुआ है और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी अदर अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।